ठीक है ना, कुछ ने सारी प्रोडक्ट नजर आए, बंदा पता लगे काम कर रहे हैं, ठीक है करो ऑन। ये एक यूएसबी स्केल है, इसके अंदर डाटा भी सेव होता है और हम प्रिंटर के जरिए सेव भी कर लेते हैं, प्रिंटर के जरिए प्रिंट भी निकलेगा और यूएसबी के अंदर डाटा भी सेव होगा। और इसके ज़रिए से क्या है, ये सिस्टम जो है यहाँ पे हमारी अप एंड डाउन लिमिट वो भी बताएगा हमें, मिसाल के तौर पे कि अप एंड डाउन लिमिट हमारी 1 kg से अप है तो ये अलार्म कर देगा, ये रेड कलर की यहाँ पे लाइट चलना शुरू हो जाएगी, और इसी तरह अगर 1 kg से कम होगा तो यहाँ पे वो अलार्म करना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास, ये हमने सिस्टम ऑन कर दिया, सिस्टम ऑन होगा ये लाइट ब्लिंक करेगी। उसके बाद क्या है कि जब हम इसके ऊपर प्रोडक्ट का कोई वेट रखेंगे, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमने इसके ऊपर रख दी है, और उसके बाद क्या करना है कि ये प्रोडक्ट है, ये वेट आ रहा है, इसके अंदर हर चीज़ फिल्ड है और इसके अंदर कोई चीज़ कम या ज़्यादा नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम कि ये डाटा इसमें हम सेव कर लेंगे, डाटा जब हम इसमें सेव करेंगे तो यहाँ पे वो वेट लिखा आ जाएगा और ये 7 बीप कर जाएगा कि डाटा मैंने सेव कर लिया है। उसके बाद क्या है कि ये अप एंड डाउन लिमिट है, नीचे की तरफ इसको हमने किया हुआ है, इससे क्या होगा कि अप एंड डाउन लिमिट जो है वो हम इसमें ग्रामेज में हम इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसको आप जितना मर्ज़ी बढ़ा लें, ये आपके ऊपर है, एक ग्राम से लेकर आप ऑनवर्ड 500 ग्राम तक लेकर जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है कितनी प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पे कि ये प्रोडक्ट अब हमने अरे ये है और इसका हमने डाटा भी सेव हो गया, और उसके बाद हमने अब ये ज़ीरो काउंटिंग यहाँ पे हुई है क्योंकि ये फर्स्ट वेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये ज़ीरो आ रहा है। जब ये फर्स्ट कॉटन का वेट हो जाएगा उसके बाद ये 1, 2, 3 ऑनवर्ड आगे जाता रहेगा। मिसाल के तौर पर कि ये हमने ये प्रोडक्ट है, इसमें से हमने ये निकाल लिया, ये एक प्रोडक्ट कम हो गई है इसमें, जैसे ही हम इसका माइक्रो स्विच यहाँ से प्रेस करेंगे, ये इसका माइक्रो स्विच है, जैसे ही हम इसका प्रेस करेंगे माइक्रो स्विच इसका प्रेस करेंगे तो ये अलार्म दे देगा, ये अलार्म दे रहा है, जैसे ही हम इसके अंदर ये प्रोडक्ट डाल देंगे, ठीक है, ये एक्चुअल वेट वही आ गया। और मिसाल के तौर पर हमने इसमें वेट, ये वाला वेट एक्स्ट्रा है, ये हमने जब किया तो जब हमने किया तो ये फिर अलार्म दे रहा है, अलार्म देगा, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा है हमारे पास। जैसे ही ये कॉटन के अंदर वेट पूरा है तो हमने इसको किया, ये साथ ही प्रिंट निकल आया हमारा S1। इससे मुराद ये फर्स्ट बैच है, और ये T से मुराद ये टी टाइम है और डेट आ रही है, W से मुराद वेट आ रहा है 7916, वो आ रहा है 7916 वेट आ रहा है, और यहाँ से हमने ये प्रोडक्ट का ये उतारा और ये हमने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिया। इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी जितनी भी कॉटन्स हैं, मिसाल के तौर पे 1000 कॉटन हैं, 2000 हैं, वो सीरीज चल जाएगी यहाँ पे 1, 2, 3 ऑनवर्ड, जिस तरह यहाँ पे 1 आ गया, ये ऑनवर्ड 9900 तक ये हमारी सीरीज जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे टाइम आ रहा है, वेट आ रहा है, वो सारा वेट हमारा यूएसबी के अंदर सेव होगा, वो वाले वेट हमारे पास सेव नहीं होंगे जिनका हम वेट ज़्यादा या कम है। मिसाल के तौर पे यूएसबी के अंदर वो डाटा सेव होगा जिसका प्रिंट निकलेगा वही सेव होगा, अदरवाइज़ वेट का सेव नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी आपका।